सो है गाइस, दिस कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप अपनी यूट्यूब वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब वीडियो का बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव कर सकते हो एंड रिमूव करके किस तरीके से प्रोफेशनली उस वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के किसी भी पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ सीधा काइनमास्टर पर। तो अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा सोर्सेस आपको मिल जाएगा काइनमास्टर का डाउनलोड करने का, ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी मैं जो इस चीज़ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है ये वाला जो एस्पेक्ट रेशियो मिलता है 16:9, इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हम यूट्यूब वीडियो एडिट करने वाले हैं तो हम 16:9 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। तो बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। लाइक आपको गूगल पर इस तरीके से सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो बैकग्राउंड डाउनलोड या फिर यूट्यूब सेटअप बैकग्राउंड डाउनलोड, ठीक है। इस टाइप का अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप जो है कोई भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो बैकग्राउंड, आपको ढेर सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा वहाँ से। इनको फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो और आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, प्लस कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ से हमें अपना जो बैकग्राउंड उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देख लेता हूँ यहाँ से मैं कौन सा बैकग्राउंड ऐड करूँ। ओके, सो यहाँ से मैं जो है ये वाला बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड आ जाएगा। राइट साइड के कोना पर आपको एक क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, इसका टाइम ड्यूरेशन आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेना है। ओके, यानी कि आप अपनी वीडियो के मुताबिक आपकी वीडियो का टाइम ड्यूरेशन जितना है उसी के हिसाब से आप इसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर लेना। एंड देन आपको लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिलता है बेसिक इफेक्ट्स, सिंपली बेसिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से गॉसन ब्लर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद कर देंगे डन। सो आपकी बैकग्राउंड पर इस टाइप का एक नेचुरल गॉसन ब्लर आ जाएगा एंड इसे क्या करना है, आपको अपनी बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके आप इसका अमाउंट यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसका अमाउंट आप कितना रखना चाहते हो, सो हम इसका जो अमाउंट है उसको अराउंड 3% कर लेते हैं, ठीक है। 3% आई थिंक काफ़ी, उसके बाद कर देना है डन। इसका टाइम लाइन आपको क्या करना है, बैकग्राउंड के टाइम लाइन के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद आप इसके स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर मिलता है फिल्टर, यहाँ से कोई फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारा आपको फिल्टर मिल जाता है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो हमने ये वाला फिल्टर को अप्लाई किया या फिर इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी सही फिल्टर है, तो इसको अप्लाई कर लिए, उसके बाद कर देना है डन। एंड यहाँ पर आप जो है एडजस्ट पर आके, एडजस्टमेंट पर आके से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो अगर आप करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद कर देना है डन। अभी यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना वीडियो ऐड करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। सो यहाँ से हम अपना जो वीडियो उसको ऐड करेंगे, सबसे पहले तो देख लेता हूँ कौन से फोल्डर के अंदर हमारा वीडियो रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से मैं ये वाला जो वीडियो इसको ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को जूम कर लेना है स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एंड देन आपको यहाँ पर राइट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन मिलता है। लाइक आपको अपने वीडियो पर क्लिक करना है और आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रोमा की, आप देख सकते हो क्रोमा की पर क्लिक करना है। जो इनेबल का ऑप्शन मिलता है इसको इनेबल कर लेना है और उसके बाद आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। सो इसका जो अमाउंट उसको आप देख लेना कितना इंक्रीज़ करना चाहते हो एंड इसका भी अमाउंट आप इस तरीके से बिल्कुल जो है 69% मैंने रखा हो और हमारे वीडियो के हिसाब से 69 परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से अपनी वीडियो के हिसाब से इन दोनों का अमाउंट सेट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इनका अमाउंट कितना रखना चाहिए। तो काफ़ी ईजी में इस चीज़ को जो है आप पता लगा सकते हो। उसके बाद कर देना है डन। ओके, वीडियो पर क्लिक करना है, आपको आ जाना है एडजस्टमेंट पर और इसको आप एडजस्टमेंट कर लेना है यहाँ से, जो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। सो कंट्रास्ट को भी आपको थोड़ा सा यूज़ कर लेना है एंड सैचुरेशन को भी आपको थोड़ा सा यूज़ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। लाइक हाईलाइट को, सॉरी इसको ज़ीरो करना है, हाईलाइट को आप देख लेना, तो हाईलाइट को इतना रख लेते। उसके बाद कर देना है डन। ओके, अभी आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेकिन देखने में आपको ये चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज किया या फिर उसका बैकग्राउंड को रिमूव किया। आप देख सकते हो
ये जो वीडियो है ये देख के ऐसा लग रहा है कि इसी बैकग्राउंड के अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, प्लस किसी एक्सपेंसिव कैमरे के थ्रू इस वीडियो को हमने कैप्चर किया, रिकॉर्डिंग किया। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये जो वीडियो है इसको हमने एडिट किया, इसका जो बैकग्राउंड उसको हमने रिमूव किया। लेकिन अचानक अगर कोई बंदा इस वीडियो को देखा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को इसी बैकग्राउंड के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया है। और हमने बैकग्राउंड को भी कुछ इस तरीके से रखा ताकि देखकर किसी को पता चले कि हाँ इस वीडियो को इसी जगह पर ही रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी तरीके से आपको भी इस टाइप का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, इस तरीके से बैकग्राउंड को एडजस्टमेंट करना है, प्लस ब्लर इफेक्ट भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन सारा चीज़ एडजस्ट कर लेना, लाइक ट्रिम कर लेना, यहाँ पर कैंची पर क्लिक करना, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर लेना है। सो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है, स्टिकर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मिलते हैं सिनेमेटिक ओपनिंग, तो आपको ये जो आइकन मिलते ऊपर में सेट स्टोरीज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फ्रेम्स पर क्लिक करना है, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है सिनेमेटिक ओपनिंग्स को, और यहाँ से आप इसे अप्लाई कर लेंगे। तो इसको आप इस तरीके से अप्लाई कर लेना, उसके बाद कर देंगे डन। इसका टाइमलाइन आप अपनी वीडियो के टाइमलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसे आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ओके। सो बड़ा कर लिया, और आपको अपना जो वीडियो उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। सो कुछ इतना आप छोटा कर लेना, सो अपने हिसाब से। तो छोटा कर लिया, और अभी आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारा वीडियो अभी देखने में कितना प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है। तो अभी आप इस पर ऑडियो पर क्लिक करके कोई म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक। सो अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर लेते। सो इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम उसको हम कम कर लेंगे, वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, इसका अमाउंट हम अराउंड इतना रखेंगे 10% या 8% रख लेते। सो ये जो है ओके इतना सही है, ठीक है। एंड उसको कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक। टाइमलाइन को अब इस तरीके से जूम कर लेना, एंड अभी क्या करना, हमें अपना जो वीडियो उसको सेव कर लेना अपनी गैलरी पर हाई क्वालिटी में। इसके लिए आपको ऊपर में जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, FHD या 2K या 4K कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो हम जो 1080p सिलेक्ट कर लेते, और उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ से 30 सिलेक्ट कर लेना है FPS, यानी कि फ्रेम पर सेकंड को। उसका सेव एज वीडियो पर क्लिक करना नीचे, एंड आपका जो वीडियो है वो सीधा आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।